हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है। व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय ए बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बॉन्ड एंगल, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बॉन्ड ऑर्डर, द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बॉन्ड लेंथ। दीज आर बॉन्ड पैरामीटर्स, दीज आर बॉन्ड पैरामीटर्स। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो शुरू करते हैं। What is bond order? Given by Linus Pauling. So, bond order क्या होता है? Bond order actually होता है the number of bonds. कितने bond है उतना उसका order है। जितना bond है, single bond है तो bond order हुआ, double bond है तो bond order two. ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर थ्री। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। The number of bond formed between two atoms in a molecule is known as bond order. तो normally अगर hydrogen hydrogen की बात करेंगे, double bond oxygen करता है double bond, तो oxygen oxygen, nitrogen करता है triple bond, तो nitrogen nitrogen की बात करेंगे, तो यहाँ पे bond order इसका आएगा one, इसका bond order two and इसका bond order three. तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं आपको तो पता चल गया होगा। बॉन्ड ऑर्डर वन, सिंगल बॉन्ड है तो वन, डबल बॉन्ड है तो टू, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर थ्री। हम एक आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितना बॉन्ड्स है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल एटम के अंदर कितने बॉन्ड ग्रुप्स हैं, और उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल। ये प्रोसेस थोड़ा क्लमजी आपको अगर लग रहा है तो हमें ट्रिक बता रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। इसको मिटा देता हूं। ट्रिक क्या कहता है, द नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसको डिवाइड कर देंगे टू से, और डिवाइडेड बाय टू, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा उसे हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी हम देखते हैं की पॉइंट्स क्या रहता है। व्हाट आर द की पॉइंट्स? पहला थिंग जो है, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो निकला, इफ सपोज बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, देन द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो वो अनस्टेबल है। मतलब क्या, अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी भी हाई रहेगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और ऑफ द मॉलिक्यूल. बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. एल आई यस. हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल. बॉन्ड ऑर्डर दो तीन चार अगर रहा, दो तीन अगर रहा तो वो स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू जीरो. की पॉइंट्स नंबर टू क्या आता है? की पॉइंट्स नंबर टू पे आता है हमारा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू वन बाय बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर वन बाय प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ. अगर आपको बॉन्ड लेंथ समझ में नहीं आ रहा है, बॉन्ड लेंथ आपको पता नहीं है, तो मैंने लिंक पे दिया है बॉन्ड लेंथ वाला वीडियो, वो जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा. सो ये तो था हमारा बॉन्ड ऑर्डर का वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.